साथियों, हम मेडिकल स्तर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं, इसके अनुभव जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ति में मोर्चा संभाले हुए हैं। रोजमर्रा की उनकी गतिविधि इन्हीं पेशेंटों के साथ पड़ती है। आइए, हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नीतीश गुप्ता जुड़े हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते सर। नमस्ते नीतीश जी, आप तो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूड कैसा है, क्या है जरा? सबका मूड अपबीट है, आपका आशीर्वाद सबके साथ है। आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को, जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं, आप सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बॉर्डर पर लड़ी रहती है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं। और हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए। आपकी बात सही है, ये युद्ध जैसा स्थिति है और आप ही सब मोर्चा संभाले बैठे हो। हाँ जी सर। आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी। हाँ जी सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि मरीज एकदम सुन के एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, तो उनको समझाना होता है कुछ नहीं है, अगले 14 दिन में आप ठीक होंगे, आप घर जाएंगे बिल्कुल। तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर भेज चुके हैं। जब बात करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है आपके सामने, जब डरे हुए लोग हैं तो उनकी चिंता क्या सताती है? तो उनको यही लगता है कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो बिल्कुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाहर लोग इतने एक्सपायर हो रहे हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। पर हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी, आपका केस बहुत माइल्ड वाला है, नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है, तो जैसे वो ठीक हो जाता है 5-7 दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम आपके टेस्ट करेंगे, जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर भेज सकते हैं। और हम इसीलिए उनकी बार बार हर 2-3-4 घंटे में उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको सहूलियत होती है पूरे दिन में, तो ही उनको अच्छा लगता है। उनका आत्मविश्वास बन जाता है, शुरू में तो डर जाते हैं। शुरू में डर जाते हैं, बट जब हम समझाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन तक जब वो खुद ठीक होने लगते हैं तो उन्हें भी लगता है हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन सभी डॉक्टरों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके जिम्मे आया है, ये भाव बनता है सबको? हाँ जी सर, बिल्कुल बनता है। हम अपनी टीम को बिल्कुल प्रोत्साहित करके रखते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे, मरीज को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है, तो सब चीजें ठीक रहेंगी। चलिए डॉक्टर, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट भी आते हैं और आप बिल्कुल जी जान से लगे हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपके साथ हूँ, लड़ाई लड़ते रहे। आपका आशीर्वाद रहे, यही हम चाहते हैं। बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू। थैंक यू नितेश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अवश्य विजयी होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने साथियों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दुनिया का अनुभव बताता है इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अचानक बढ़ती है। अचानक होने वाली इस वृद्धि की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा को जवाब देते हुए देखा है। भारत में ये स्थिति न आए, इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है।